तो आज हमें पढ़ना है शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस। ठीक है, पीछे के क्लास में हम लोग पढ़े थे LCR सर्किट, उससे संबंधित बातें हम लोग पढ़ लिए थे, पावर के बारे में पीछे के क्लास में पढ़ लिए थे। आज हमें पढ़ना है रिजोनेंस, शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस, अनुनाद की तीक्ष्णता। तो यह अनुनाद की तीक्ष्णता क्या होती है उसके लिए एक हम फिगर बनाते हैं। जैसे कि कल LCR सर्किट में पढ़े थे कि धारा आयाम के महत्तम होने की घटना को हम रिजोनेंस कहते हैं, वो रिजोनेंस हम लोग कल पढ़ लिए थे ये। और वो धारा आयाम महत्तम कहाँ पे होता था, तो एक ओमेगा नॉट लिए थे जिसको अनुनादी आवृत्ति कहे थे, और इसका जो वैल्यू था वो रूट अंडर LC के बराबर था, और धारा का जो मैक्सिमम मान था वो E0/R के बराबर था, यानी E/R हम बोल सकते हैं या E0/R बात, चूँकि जेड का वैल्यू होता है रूट अंडर R² + XL - XC का होल स्क्वायर। और अनुनाद की स्थिति कब आती है, जब XL और XC दोनों की वैल्यू बराबर हो जाती है, तो वहाँ पे अनुनाद की स्थिति होती है। तो फिर जो मैक्सिमम मान हम निकाले थे वो कुछ इस प्रकार था। ठीक है, तो किसी भी अगर हम करंट पे निकाले तो यहाँ पर EV लिख सकते हैं, किसी भी विद्युत वाहक बल पर धारा का मैक्सिमम मान, चूँकि यहाँ पे जेड का ये हो जाएगा वैल्यू होता है, और जब अनुनाद की स्थिति होती है तो ये दोनों बराबर हो गए, ये जीरो हो गए, तो बचे केवल R। तो ये हम कल रिजोनेंस पढ़ लिए थे, धारा आयाम के महत्तम होने की घटना। अब उस रिजोनेंस की शार्पनेस पढ़ते हैं। शार्पनेस का मतलब होता है कि जब हम ओमेगा के मान में परिवर्तन करते हैं, तो ओमेगा के मान में जब परिवर्तन होता है तो उसमें वृद्धि भी होती है और घटता भी है, तेजी के साथ वो बदलता है, जैसा कल बताए थे। तो ओमेगा के मान में परिवर्तन होने पर उसके जो पावर होते हैं, क्योंकि ओमेगा के मान में परिवर्तन होगा तो जेड बदलेगा, जेड बदला तो करंट बदलेगा, और करंट बदला तो पावर भी बदलेगा। तो ओमेगा के मान में परिवर्तन करने पर पावर में जो उसके ओमेगा में तेजी से परिवर्तन होता है, जिससे उसके पावर में भी परिवर्तन होता है, और इसी को बोला जाता है शार्पनेस, तीक्ष्णता। ठीक है, तो वही पे पढ़ना है, हम एक ग्राफ बनाते हैं यहाँ पर और उस ग्राफ के माध्यम से भी थोड़ा सा जान लेंगे। तो कुछ इस प्रकार ओमेगा का वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है, और ओमेगा का वैल्यू बढ़ेगा फिर इस प्रकार, ये मतलब इस दिशा में ओमेगा बढ़ रहा है। तो ये जो सबसे अधिकतम वैल्यू प्राप्त हो रहा है ये ओमेगा नॉट पर प्राप्त हो रहा है, चूँकि ओमेगा नॉट कहने का क्या मतलब, अनुनादी आवृत्ति, और अनुनादी आवृत्ति पे धारा का मान महत्तम होता है, और जब धारा का मान महत्तम हुआ तो यहाँ पर पावर का मान भी मैक्सिमम होगा, यानी यहाँ पर पावर भी मैक्सिमम होगा। तो जब धारा का मान महत्तम हो रहा है तो इसी के आसपास हम दो गो छोटा सा पॉइंट मानते हैं, जहाँ पर जो धारा का वैल्यू है महत्तम से थोड़ा सा कम होगा। अब थोड़ा सा कम होगा तो हम दो गो बिंदु ले लेते हैं, एक बिंदु ये लेते हैं और एक बिंदु ये, तो इसको मान लेते हैं ये ω1 है और ये ω2 है, और ये जो वैल्यू है यहाँ पर धारा का मान चूँकि इस ओमेगा नॉट वाले से कम है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि इस मैक्सिमम का 1/√2 गुना है, यहाँ पर का जो करेंट है वो मैक्सिमम का 1/√2 गुना, चूँकि मैक्सिमम का 1/√2 गुना होगा तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो पावर का वैल्यू है वो मैक्सिमम के आधा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ओमेगा के परिवर्तन के साथ इसके पावर में जो परिवर्तन हो रहा है, आप देख सकते हैं कि इस अंतराल में पावर तेजी से बढ़ रहा है और इस अंतराल में पावर तेजी से घट रहा है। तो ओमेगा में परिवर्तन के साथ इसके पावर में जो परिवर्तन होती है, तेजी के साथ परिवर्तन हो रही है, इसी को हम बोलते हैं तीक्ष्णता, अनुनाद की तीक्ष्णता। ठीक है, तो ओमेगा नॉट यानी अनुनादी आवृत्ति पर इसके धारा का मान महत्तम होते हैं तो वहाँ पर पावर भी महत्तम होंगे। हम कोई और ओमेगा को मानते हैं जो ω1 और ω2 लिए, जो धारा के महत्तम मान से थोड़ा सा कम हो, थोड़ा सा कम तो हम क्या मान लिए, महत्तम मान का 1/√2 गुना, तो महत्तम मान का 1/√2 गुना जिसको हम I के बराबर मान लेते हैं, और वो किन दोनों पे, ω1 पर और ω2 पर, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएंगे पावर का वो महत्तम मान का आधा हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए
जो वैल्यू यहाँ पर ओमेगा है तो इसके बीच का अंतराल और इसके बीच का अंतराल तो समान ही है, तो हम मान लेते हैं कि ये जो अंतराल है वो चेंज इन ओमेगा है और ये वाला अंतराल है वो भी चेंज इन ओमेगा है कि नहीं है। तो और ये जो टोटल अंतराल हो गए यहाँ से यहाँ तक, ये वाला चेंज इन ओमेगा प्लस ये वाला चेंज इन ओमेगा, इसको बोला जाता है बैंड की चौड़ाई। इसको क्या बोला जाता है? बैंड की चौड़ाई। वो बैंड की चौड़ाई हम निकालेंगे तो आप देख सकते हैं कि बैंड की चौड़ाई ये चेंज इन ओमेगा प्लस चेंज इन ओमेगा यानी टू चेंज इन ओमेगा के बराबर है। तो ओमेगा वन का जो वैल्यू है उस ओमेगा वन के वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा वन का वैल्यू जो हो जाएगा वो ओमेगा नॉट प्लस चेंज इन ओमेगा के बराबर। और ओमेगा सॉरी ये जो ओमेगा वन का वैल्यू को अगर हम लिखें तो इसमें हाँ ठीक है, और ओमेगा टू का वैल्यू अगर हम लिखते हैं तो फिर उसको क्या करेंगे? उसमें से हम घटा देंगे, यानी ओमेगा नॉट माइनस चेंज इन ओमेगा ये वैल्यू हो जाएंगे ठीक है। और इस दोनों का अंतराल जब निकालेंगे ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू तो क्या हो जाएगा? ये ओमेगा नॉट प्लस चेंज इन ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट माइनस चेंज इन ओमेगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा और ये माइनस कट जाएगा। तो ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू की वैल्यू किसके बराबर? टू चेंज इन ओमेगा के बराबर, जो पहले भी यहाँ पे दिख रहा था, ये वाला चेंज इन ओमेगा और ये वाला चेंज इन ओमेगा। तो ये टू चेंज इन ओमेगा गया, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है बैंड की चौड़ाई, इसको बोला जाता है बैंड की चौड़ाई। अब ये बैंड की चौड़ाई आ गई तो यहाँ से हमें जो पढ़ना है शार्पनेस तीक्ष्णता, जो ओमेगा के परिवर्तन के साथ उसके शक्ति के मान में जो तेजी से परिवर्तन होता है उसी को तीक्ष्णता कहते हैं। तो तीक्ष्णता को यहाँ पर जो डिफाइंड किया जाता है वो तीक्ष्णता बराबर होता है, तीक्ष्णता यानी शार्पनेस बराबर होता है ये जो वैल्यू आया ओमेगा नॉट बटे टू चेंज इन ओमेगा, इससे इसको डिफाइन किया जाता है तीक्ष्णता को फॉर्मूला के रूप में, यानी इसका मेजरमेंट हुआ इतना वैल्यू हुआ। और डिफिनीसन के रूप में क्या हुआ? डिफिनीसन में यानी आवृत्ति के परिवर्तन के साथ शक्ति के मान में जो तेजी से परिवर्तन होते हैं उसको तीक्ष्णता कहते हैं। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? तो ओमेगा नॉट बटे टू चेंज इन ओमेगा के बराबर, यानी अनुनादी आवृत्ति बटे में बैंड की चौड़ाई ठीक है, अनुनादी आवृत्ति बटे बैंड की चौड़ाई। अब हमें बैंड की चौड़ाई अब कैलकुलेट करना है, जब फॉर्मूला निकालना है तो तीक्ष्णता के लिए आगे जब हम फार्मूला जाएंगे तो बैंड की चौड़ाई हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो बैंड की चौड़ाई चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, ये तो इसके रूप में इसको डिफाइन करते हैं तीक्ष्णता को। बैंड की चौड़ाई के लिए देखिए, जब आई का जो नॉर्मल वैल्यू हम निकालते हैं तो क्या लिखेंगे? ई बटे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, या इसी को लिखते हैं ई बटे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस एक बटे ओमेगा सी का होल स्क्वायर, किसी भी वैल्यू पर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो मैक्सिमम मान माने हैं वो ओमेगा नॉट, जो रिजोनेंस की स्थिति होती है, इसके अलावा दो और पॉइंट लिए ओमेगा वन और ओमेगा टू, जहाँ पर इसके वैल्यू क्या हो रहे हैं? जहाँ पर इसके वैल्यू में थोड़ी सी परिवर्तन होती है तो पावर के मान में बहुत तेज़ी से परिवर्तन होता है। और ये जो दो हम मान लिए हैं जहाँ पर जो करेंट का मान है वो महत्तम मान का एक बटे रूट टू के बराबर है, महत्तम मान का एक बटे रूट टू के बराबर है। और ये स्थिति ओमेगा वन पर भी है और ओमेगा टू पर भी है, जहाँ पर धारा का मान महत्तम मान का एक बटे रूट टू के बराबर है ठीक है। तो उस स्थिति में अगर हम धारा का मान लेते हैं महत्तम मान यानी आई मैक्सिमम का रूट अंडर टू ठीक है, तो जो वैल्यू जब आई मैक्सिमम की बात अगर हम कर रहे होते हैं तो आई मैक्सिमम कहाँ पर होता है? आई मैक्सिमम होता है अनुनाद की स्थिति में, और अनुनाद की स्थिति में ये वाले वैल्यू आपस में बराबर हो जाते हैं और ये आपस में बराबर हो जाएंगे तो ये जीरो हो जाएंगे, यानी ई बटे क्या बचेगा? रूट ई बटे रूट अंडर आर स्क्वायर यानी आर ठीक है। तो उसके साथ और यहाँ पर ये तो मैक्सिमम की वैल्यू हो गई और बटा में रूट टू है तो ये रूट टू की बराबर हो गई ठीक है। तो अगर हम लिखते हैं आई मैक्स बटे रूट टू तो इसको हम ई बटे आर रूट टू लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो आई मैक्स की वैल्यू हो गई और ये रूट टू के बराबर। तो किसी भी स्थिति में अगर हम लिख रहे हैं ओमेगा वन पर तो ये वाला वैल्यू जो हो जाएगा वो इसके बराबर होगा किसी अन्य वैल्यू पर ठीक है, क्योंकि ये तो मैक्सिमम बटे रूट टू
तो ई बटे आर और रूट टू आ गई जो वैल्यू हो गई। तो अगर हम ओमेगा वन के लिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ओमेगा वन के लिए, तो ओमेगा वन के लिए जेड का जो मान है वो क्या चीज़ है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा वन एल और माइनस एक बटे ओमेगा वन सी, इसका होल स्क्वायर और बराबर में किसके बराबर, तो ये आर रूट टू के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम का वैल्यू लिखे तो ये और रूट टू से भाग दिए तो यहाँ पे रूट टू ही भाग, तो ओमेगा वन के लिए यही तो वैल्यू है, ओमेगा वन के लिए जो मान है वहाँ पर धारा का मान मैक्सिमम का रूट टू है, एक बटे रूट टू, तो ये आर रूट टू आ गई। अब ये रूट अंडर में है, दोनों तरफ हम वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस ओमेगा ए वन एल माइनस एक बटे ओमेगा वन सी, इसका होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू टू, यानी टू आर स्क्वायर, क्या गया, टू आर स्क्वायर। अब ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो ओमेगा वन एल माइनस एक बटे ओमेगा वन सी, इसका होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अब दोनों तरफ वर्गमूल कर देते हैं तो पावर है समाप्त हो जाएगा, क्या बचेगा, ओमेगा वन एल माइनस एक बटे ओमेगा वन सी बराबर क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर, सॉरी आर बचेगा। ठीक है, अब आप देखिए चूंकि दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, वर्गमूल कर दिया, तो इधर भी स्क्वायर था इधर भी स्क्वायर, तो स्क्वायर खत्म। और ओमेगा वन का वैल्यू किसके रूप में, ओमेगा नॉट प्लस चेंज इन ओमेगा, चूंकि हमने यहाँ पे ओमेगा वन माना है, ओमेगा टू के लिए भी मान के बना सकते थे, किसी के लिए भी मान के बना सकते, चूंकि ओमेगा वन पर भी धारा का मान महत्तम का रूट टू गुना, यहाँ पर भी धारा का मान महत्तम मान का एक बटे रूट टू गुना है दोनों जगह, और यहाँ पर जो पावर है वो महत्तम मान का आधा है। तो दोनों के लिए हम लेंगे, ओमेगा वन के लिए भी और ओमेगा टू के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और उस फंक्शन को हम अनुनादी आवृत्ति के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस ओमेगा वन का वैल्यू हम ये वाला मान रखते हैं, यहाँ पर ओमेगा वन के जगह पर क्या रखा जाएगा, ओमेगा नॉट प्लस चेंज इन ओमेगा इंटू एल माइनस एक बटे ओमेगा नॉट प्लस चेंज इन ओमेगा इंटू सी और बराबर में क्या हो जाएगा, आर, ये हो जाएगा। चलिए अब इसको इधर कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि हम यहाँ से ओमेगा को कॉमन कर सकते हैं, तो ओमेगा को कॉमन करेंगे तो ओमेगा नॉट इंटू एल हो जाएगा, बचेगा क्या चीज़, वन और प्लस चेंज इन ओमेगा बटे ओमेगा नॉट, ये बचेगा माइनस एक बटे, फिर से ओमेगा को नॉट को कॉमन करेंगे तो एक बटे ओमेगा सी और इनटू में वन प्लस चेंज इन ओमेगा बटे ओमेगा नॉट बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा आर। अब अनुनाद की स्थिति में आपको पता है कि ओमेगा नॉट बराबर होता है एक बटे रूट अंडर एल सी, या फिर अगर इसको हम स्क्वायर कर देते हैं तो रूट, जो कल हम लोग रिजोनेंस का स्थिति देखे थे। ठीक है, तो रिजोनेंस की स्थिति में जो अनुनादी आवृत्ति होती है उसके लिए ये कंडीशन आता है। अब यहाँ से अगर हम वन का बात कर ले तो वन बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट का स्क्वायर इंटू एल सी। अब इसका मान हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ओमेगा नॉट एल वन प्लस चेंज इन ओमेगा बटे ओमेगा नॉट माइनस, यहाँ पर क्या रखेंगे, ओमेगा नॉट का स्क्वायर एल सी और नीचे हो जाएगा ओमेगा नॉट सी वन प्लस चेंज इन ओमेगा बटे ओमेगा नॉट बराबर में आर। अब ये ओमेगा स्क्वायर और ये सी कट गए, ठीक है, तो बच क्या रहे, ओमेगा नॉट एल वन प्लस चेंज इन ओमेगा बटे ओमेगा नॉट माइनस, यहाँ पर बच रहे हैं ओमेगा नॉट एल। अब देखिए ये जो नीचे बचा हुआ इस पर पावर तो एक है, और उसको जब ऊपर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएगा, यानी वन प्लस चेंज इन ओमेगा बटे ओमेगा नॉट इस पर पावर माइनस वन बराबर आर। अब यहाँ पर ये एक और प्रॉपर्टीज, कई बार हम ऐसा बताए हैं और आप लोग मैथ में भी इसको जाने होइएगा, ये काफ़ी यूज होता है, जो मैथ में पढ़ना है हम लोग को, आप लोग पढ़े होइएगा कि वन प्लस एक्स बटे वाई ऐसा कोई फंक्शन है, ठीक है, और इस पर पावर है एन। ठीक है, ये फैक्टर
पढ़ना है, को फैक्टर वगैरह वहाँ पे आप लोग को ये पढ़ना पड़ेगा मैथ में। और एक्स बटे वाई इज़ वेरी वेरी लेस देन वन, यानी एक्स बटे वाई का मान बहुत छोटा हो एक से, तो उस स्थिति में जो पावर होता है वो उसके साथ गुना में हो जाता है, तो इसका जो लगभग में वैल्यू होता है वो क्या, वन प्लस एन इंटू एक्स बटे वाई के बराबर होता है। ठीक है, फैक्टोरियल, एक फैक्टोरियल जो पढ़ना है मैथ में, जो चैप्टर में बहुत सारा ऐसा नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को, तो वहाँ पर आप देखोगे तो ये चीज़ पढ़ लोगे। ठीक है, मैथ में तो आप कई बार, हम फिजिक्स में भी इसको बताए हैं कि आप ध्यान क्या रखना है कि अगर ऐसा फंक्शन हो वन प्लस एक्स बटे वाई के पावर एन, जहाँ पर एक्स बटे वाई बहुत छोटा हो एक से, ठीक है, एक से बहुत छोटा हो, तो जो पावर होता है वो गुणा में चलाता है। ठीक है, तो वैसा बात यहाँ पे लागू होगा, तो हो जाएगा ओमेगा नॉट एल वन प्लस चेंज इन ओमेगा बटे ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा नॉट एल, और ये गुणा में यहाँ चलाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो वन माइनस चेंज इन ओमेगा बटे ओमेगा नॉट बराबर आर। अब इन दोनों को इससे गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट एल इससे गुणा करेंगे तो प्लस ओमेगा नॉट एल चेंज इन ओमेगा बटे ओमेगा नॉट, माइनस इससे गुणा करेंगे तो माइनस ओमेगा नॉट एल, और इससे गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ओमेगा नॉट एल चेंज इन ओमेगा बटे ओमेगा नॉट बराबर आर। अब ये माइनस और ये प्लस कट गए, अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, और कट भी रहा है ये ओमेगा नॉट, ये वाला ओमेगा नॉट, दोनों कट गया, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, टू चेंज इन ओमेगा इंटू एल, क्योंकि एगो ओमेगा इंटू एल यहाँ पर और यहाँ पर, तो टू चेंज इन ओमेगा इंटू एल बराबर आर, तो यहाँ से टू चेंज इन ओमेगा बराबर क्या आ गया, आर बटे एल, ये वैल्यू आ गई आर बटे एल, जो क्या चीज़ है, बैंड की चौड़ाई है, जो हम यहाँ पे बताए थे कि ये जो टू चेंज इन ओमेगा एल है ये इसकी क्या बोलते हैं, बैंड की चौड़ाई। तो हमने बैंड की चौड़ाई कैलकुलेट कर ली, बैंड की चौड़ाई क्या आ गया, आर बटे एल। अब बैंड की चौड़ाई निकाल लिए तो यहाँ पर इस तीक्ष्णता का जो फार्मूला है, इस फार्मूला में हम उसकी वैल्यू रख देंगे, और ओमेगा नॉट का वैल्यू आपको पहले से पता है कि उसका वैल्यू क्या होता है, रूट अंडर में एक बटे एल सी, तो एक बटे रूट अंडर में एल सी, और नीचे इसका वैल्यू यानी बैंड की चौड़ाई का वैल्यू क्या चीज़, आर बटे एल। अब ये जो नीचे का एल है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, भाग हुआ। ठीक है, तो ये एल ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे एल बटे आर और रूट अंडर एल सी। अब ये वाले एल से ये वाले एल रूट अंडर एल मरतबे कट जाएगा, तो ये वैल्यू क्या गया, एक बटे आर और रूट अंडर में एल ऊपर भी और नीचे सी, तो एक बटे आर रूट अंडर एल सी। और इसी जो तीक्ष्णता है इसको क्यू फैक्टर से डिनोट करते हैं, क्यू से लिखते हैं, यानी इसको बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। तो आपको तीक्ष्णता समझ में आ गया होगा, तीक्ष्णता का मतलब क्या हुआ कि ओमेगा के मान में यानी आवृत्ति के मान में परिवर्तन करने पर उसके शक्ति के मान में जो तेजी से परिवर्तन होता है उसी को हम तीक्ष्णता कहते हैं, और इस तीक्ष्णता का वैल्यू किसके बराबर होता है, तो कोणीय आवृत्ति बटे बैंड की चौड़ाई। बैंड की चौड़ाई का मतलब जिस मान पर ओमेगा के जिस मान पर पावर का वैल्यू आधी हो जाती है महत्तम का, उसके बीच की दूरी को हम बैंड की चौड़ाई बोल रहे हैं, और बैंड की चौड़ाई किसके बराबर हो जाता है, तो बैंड की चौड़ाई आर बटे एल के बराबर होता है, जहां पे आर रेजिस्टेंस है और एल क्या चीज़ है, एल प्रेरकत्व है। तो आप ये बैंड की चौड़ाई का फार्मूला और ये लिख सकते हो। ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन हुई, इसको एक सिंपल सा तरीका से भी बताया जा सकता है कि जो तीक्ष्ण क्यू फैक्टर जो हम यहाँ पे निकाले, क्वालिटी फैक्टर, इस क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू एक्स एल या एक्स सी बटे आर के बराबर होता है, एक्स एल या एक्स सी बटे आर के बराबर होता है। और ये एक्स सी या एक्स एल कहाँ पर, अनुनादी आवृत्ति पर यानी ओमेगा नॉट पर, ओमेगा नॉट पर एक्स एल या एक्स सी बटे आर हम लिख सकते हैं। तो एक्स एल या एक्स सी बटे आर हम इसको बता देते हैं डिफाइन करके कि वैसा ही फॉर्मूला आएगा कि अनुनादी आवृत्ति पर हम एक्स एल लिखे या एक्स सी लिखे, तो क्यू बराबर एक्स एल का वैल्यू लिखेंगे तो ओमेगा एल होता है आपको पता है, तो ओमेगा नॉट, चूँकि ओमेगा नॉट पर की बात हो रहा है और नीचे क्या चीज़ आर,
तो क्यू बराबर अब ओमेगा नॉट का वैल्यू 1/√ LC × L और नीचे क्या चीज़ R। अब ये L से √L मरतबे कट जाएगा, तो फिर से देखिए 1/R और √ में L/C, फिर से वही वैल्यू आ रहा है ना। तो आपको इस फॉर्मूला के आधार पर भी आप इसको याद लिख सकते हो। भाषा के रूप में क्या लिखोगे, क्वालिटी फैक्टर बराबर लिखोगे अनुनादी आवृत्ति पर प्रेरणिक प्रतिघात या संधारित्रीय प्रतिघात बटे प्रतिरोध, वहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी तो ये प्रोसेस है, एक तरीका ट्रिक के तौर पर आप इसको यूज़ कर सकते हो केवल याद रखने के लिए, बाकी कैलकुलेशन तो ऐसे ही करना है। ऑब्जेक्टिव के व्यू से देखें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है बैंड की चौड़ाई, ठीक है। तो ये था शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस। अब देख लेते हैं वाटलेस करेंट। आपको इसका डिफिनेशन याद रखना है, 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेता है और साथ में इसका पॉइंट टाइप का क्वेश्चन भी बताएंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव भी कई बनेगा और एक बार एग्जाम में पूछा हुआ भी था तो वो बता रहे। वाटलेस करेंट आप इसका डिफिनेशन सिंपल सा है, क्या देख लीजिए कि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ से धारा प्रवाहित करने पर यदि शक्ति का व्यय 0 हो तो उसे वाटलेस करंट कहते हैं, वाटहीन धारा कहते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, एकदम सिंपल सा है कि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ से प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करने पर यदि शक्ति का व्यय 0 हो, यानी शक्ति का जो खर्च हो रहा है, जो लॉस हो रहा है, वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो उसको हम कौन सा करंट बोलेंगे, वाटहीन यानी वेटलेस करंट, ठीक है। यानी किसी भी परिपथ में धारा प्रवाहित कर रहे हैं वहाँ पर व्यय शक्ति का व्यय क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और शक्ति का व्यय जहाँ पर 0 होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, वाटलेस करेंट। तो ये डेफिनेशन एक लाइन का आप लिख लीजिएगा कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ से धारा को प्रवाहित करने पर शक्ति का व्यय 0 हो तो वैसे धारा को वाटलेस करेंट कहा जाता है, यानी वाटहीन धारा कहा जाता है, ठीक है। अब वाटहीन धारा कब होगा, चूँकि शक्ति का व्यय 0 होना चाहिए, और आप लोग कल पढ़े कि जो पावर का वैल्यू होता है वो IRMS इंटू कॉस फाइ के बराबर होता है, और इस कॉस फाइ को शक्ति गुणांक बोलते हैं, पावर फैक्टर है ना, इसको पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणांक कहते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये डिफिनीशन क्या बोल रहा है, डिफिनीशन बोल रहा है कि परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर शक्ति का व्यय 0 हो, और जब शक्ति का व्यय 0 होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे वाटलेस करेंट। और जो पावर का एवरेज वैल्यू हम निकाले थे उस एवरेज वैल्यू में ये कॉस फाई आया था, इसको बोले थे पावर फैक्टर। तो निश्चित रूप से ये यहाँ पे कहेंगे हम कि वाटहीन करेंट होने के लिए जो पावर फैक्टर है यानी शक्ति गुणांक, उसको 0 होना चाहिए, ठीक है। यानी वाटहीन करेंट के लिए पावर फैक्टर जो शक्ति गुणांक, उसको क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और ये 0 कब 0 हो गया, तो 0 जब ये होगा तो यहाँ पे जो फाई का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, π/2, क्योंकि कॉस 90 का ही वैल्यू तो 0 होता है। तो आप यहाँ से एक बात ध्यान में रख सकते हैं कि वाटलेस करेंट कब होगा, वाटलेस करेंट तभी होगा जब जो फाई है, फाई क्या है, कलांतर कोण है, फेज डिफरेंस है, ये फाई क्या है, फेज डिफरेंस। तो वाटहीन करेंट कब हो जाएगा, जब फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, π/2। यानी आप देखे हैं कि जब केबल प्रेरकत्व लगा हो या फिर केबल संधारित्र लगा हुआ था तो वहाँ पर धारा और विद्युत वाहक बल के बीच में जो कलांतर कोण था वो π/2 था। जैसे केबल प्रेरकत्व लगा हुआ था वहाँ पर धारा π/2 कोण पीछे था, केबल संधारित्र था वहाँ पर धारा π/2 कोण आगे था, और वैसे स्थिति में कलांतर का वैल्यू क्या हो गया, π/2। और वहाँ पर जब π/2 रखेंगे तो जो पावर का एवरेज वैल्यू आएगा वो 0 आ जाएगा, और वहाँ पे पावर का एवरेज वैल्यू 0 आएगा उसी को वाटलेस करेंट कहेंगे, ठीक है। यानी जब शक्ति का व्यय 0 हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेटलेस करेंट। और ये कब होगी, जब पावर फैक्टर का मान कितना होगा, 0 होगा, और पावर फैक्टर का मान 0 कहाँ पर होगा, जहाँ पर फेज का वैल्यू π/2 होगी, और फेज का वैल्यू π/2 आपको पता है केवल प्रेरकत्व युक्त में, केवल संधारित्र युक्त में। तो यही जो वाटहीन करेंट है इसी को यूज करके चोक कुंडली का निर्माण किया जाता है, चोक क्वाइल, ठीक है, जो अगले क्लास में हम आप लोग को चोक क्वाइल के बारे में बताएंगे। तो आप यहाँ से इसका डेफिनेशन,
वाटलेस कहाँ पे होगा, कितना फेज पर होगा, इसको पॉइंट बनाकर आप लिखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। एक क्वेश्चन हम बताते हैं जो 2017 या 18 में पूछा गया था कि अगर इस दिशा में विद्युत वाहक बल है ई और इससे फाई कोण पर धारा है, तो धारा का कौन सा कंपोनेंट वाटहीन होगा। ऐसा क्वेश्चन था कि धारा का कौन सा कंपोनेंट वाटहीन होगा, कौन ऑप्शन में था आई साइन फाई, आई कॉस फाई, आई टेन फाई और आई सेक फाई, ऐसा चार गो ऑप्शन था। और क्वेश्चन में बोला गया था कि धारा का कौन सा घटक वाटहीन करंट के लिए उपयोग होगा, यानी वाटहीन करंट देगा। तो आपको पता है कुछ है नहीं इसमें नॉर्मल, कि जब किसी का भी कंपोनेंट हम कोण की दिशा में लेते हैं तब वो कॉस लगता है, तो इस आई का इसके डायरेक्शन में कंपोनेंट तोड़ेंगे तो हो जाएगा आई कॉस फाई, और अपोजिट में तोड़ते हैं तो अपोजिट में क्या चीज़ होता है साइन फाई, तो इधर हो जाएगा आई साइन फाई। और डिफिनीशन क्या कहता है वाटहीन का, कि शक्ति का व्यय शून्य होना चाहिए, और शक्ति का व्यय कब शून्य होता है, जब पावर फैक्टर जीरो होता है, और पावर फैक्टर जीरो कब होता है, जब कलांतर कोण पाई बाई टू होता है। तो कलांतर कोण का मतलब आपको पता है धारा और विद्युत वाहक बल के बीच का कोण। तो यहाँ पर देखिए किस धारा के साथ 90 डिग्री आ रहा है, तो I cos थीटा तो E की ही दिशा में है तो यहाँ पर तो 0 डिग्री है, और I sin थीटा जो इससे 90 डिग्री के कोण पर है, ठीक है। तो जो I sin थीटा है ये जो है वो वाटहीन करेंट के लिए घटक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछ चुका है, तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बस हमें देखना क्या है कि इसके बीच का जो फेज है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, तो फिर वो क्या आ जाएगा वाटलेस करेंट, ठीक है। तो अगले क्लास में आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे चोक कॉइल, तब तक के लिए देखते रहिए दीप बिहार इंटरमीडिएट कोचिंग सेंटर। धन्यवाद।